दोस्तों आईपीएल 2023 के 53वें मुकाबले में पंजाब किंग्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ होने वाला है। दोनों ही टीमों के बीच इस सीजन का यह दूसरा मुकाबला है। यह मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाना है। इस मैच में पंजाब किंग्स की कप्तानी शिखर धवन तो वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स की कमान नितेश राणा के हाथों में होगी। दोस्तों इन दोनों टीमों के बीच जब इस सीजन का पहला मुकाबला खेला गया तो शिखर धवन की पंजाब किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को रोमांचक मुकाबले में मात्र 7 रनों के अंतर से हराया था और इस मैच में अर्शदीप सिंह ने बेहतर गेंद बाजी करते हुए 3 ओवर में 3 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए और इस उम्दा प्रदर्शन के लिए उसे मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया। जबकि कोलकाता के बॉलर्स का उतना खास प्रदर्शन इस मैच में नहीं रहा। हालांकि पिछले मैच में पंजाब किंग्स को मुंबई इंडियंस के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए लियाम लिविंगस्टोन व जितेश शर्मा की विस्फोटक बल्लेबाजी के चलते मुंबई इंडियंस को 215 रनों का विशाल लक्ष्य दिया था, परंतु ईशान किशन व सूर्य कुमार यादव की तूफानी बल्लेबाजी के दम पर मुंबई इंडियंस ने इस लक्ष्य को 19वें ओवर में ही हासिल कर लिया था। पंजाब किंग्स ने अभी तक इस सीजन में कुल 10 मैच खेले हैं, जिसमें से उसे 5 में जीत व 5 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। आज के मैच में पंजाब किंग्स मुंबई इंडियंस से मिली अपनी पिछली हार को भूलकर मैदान पर उतरेगी और जीत की पटरी पर लौटना चाहेगी, और यदि आज पंजाब किंग्स मैच जीत जाती है तो 2 अंक प्राप्त करके अंक तालिका में 12 अंकों के साथ 4थे स्थान पर पहुंच जाएगी और जीत के साथ प्लेऑफ की रेस में एक कदम और आगे बढ़ जाएगी। वहीं कोलकाता 10 मैच में 4 जीत के साथ 8 अंक लेकर अंक तालिका में 8वें स्थान पर है। यदि कोलकाता आज जीत जाता है तो इनके कुल 10 अंक हो जाएंगे और रन रेट के चलते अंक तालिका में कोलकाता नाइट राइडर्स 5वें स्थान पर पहुंच जाएगी। ऐसे में इन दोनों टीमों के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन में आज बेहद रोमांचक मुकाबला देखने को मिलने वाला है, क्योंकि आज का मैच जो भी टीम जीतेगी उसके प्लेऑफ में पहुंचने की राह थोड़ी आसान हो जाएगी। दोस्तों इन दोनों टीमों की प्लेइंग 11 बताने से पहले आपको क्या लगता है, क्या आज पंजाब किंग्स की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स को उनके ही होम ग्राउंड पर पटकनी देने में सफल होगी या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज क्रिकेट हिमालयाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना प्यार जरूर दें। दोस्तों यदि आज के मैच के लिए इन दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 की बात की जाए तो कुछ इस तरह की रहने वाली है।